घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज और परिवार में गहराई तक जम गई है। वहीं आम लोगों की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने इसके खिलाफ जाकर अपनी आवाज भी उठाई है। बॉलीवुड का सबसे फेमस कपल ऐश्वर्या राय और सलमान खान में कई बार अनबन देखी गई है। इसी के चलते ऐश्वर्या ने सलमान के बढ़ते बुरे रवैये के कारण उन्हें छोड़ दिया और नौबत सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने तक की हो गई थी। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने एक्टर आदित्य पंचोली पर बुरा बर्ताव और फिजिकली होने का आरोप लगाया। ऐसे में कंगना ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। प्रीति जिंटा साल 2005 में नेस वाडिया को डेट कर रही थी। नेस आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के कॉर्नर रह चुके हैं, जब वाडिया ने एक पार्टी में सरेआम प्रीति को तमाचा जड़ दिया था। इसके बाद प्रीति ने नेस के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। करिश्मा ने संजय पर भी घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। वहीं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर उनके एक्स हस्बैंड राजा चौधरी ने बहुत जुल्म किए। राजा ने श्वेता को नशे की हालत में कई बार नुकसान पहुंचाया। दोनों की शादी साल 1998 में हुई और साल 2012 में राजा की बढ़ती बदतमीजियों की वजह से वो अलग हो गए। बॉलीवुड में सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाली दीपशिखा ने अपने हस्बैंड पर पिछले 4 साल से मारपीट का आरोप लगाया है। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों में अनबन शुरू होने लगी थी। वहीं साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया। बॉलीवुड फिल्मों में मां का कैरेक्टर प्ले करने वाली रति भी इस समस्या से जूझ चुकी हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था। वहीं रियलिटी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे में डिम्पी गांगुली ने राहुल महाजन से शादी की थी, लेकिन 4 महीने के अंदर ही दोनों के रिश्ते में अनबन हो गई। डिम्पी ने राहुल पर गाली देने और घरेलू हिंसा के संगीन आरोप लगाए थे। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।